हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा गाइज। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने किस किस टॉपिक को क्लियर कर लिया और आज का हम लोगों का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाया था और टेक्निकल एनालिसिस में भी मैंने आप लोगों को चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम लोग समझे थे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना, आई बटन पे लिंक है, क्योंकि हम लोग 80% जो ट्रेड होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही करते हैं। अगर हम लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूल्स नहीं पता होंगे तो हम लोग ज्यादा बार क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कैंडलस्टिक्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, फिर चार्ट पैटर्न उसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग तक हम लोगों ने हर एक चीज को क्लियर कर लिया। आज का जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग। हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से ट्रेड करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे हम लोगों को चार्ट को देखना होता है, स्टॉक में हम लोग कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक को किस तरीके से हम लोग चूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गमाइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग चार पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, किस टाइम पे हम लोगों को सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा इंट्राडे में, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे किसी भी स्टॉक को किस तरीके से हम लोगों को चूज करना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोज। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग स्टॉक में करें, इंडेक्स में करें, कहीं पे भी ट्रेड करें, हम लोग अगर इंडेक्स में भी कर रहे हैं तो जो भी प्रीमियम हम लोग आज पे कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग शेयर आज खरीद रहे हैं, तो हम लोगों को आज ही इसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना पड़ेगा, इसको हम लोग कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग समझाया था। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता था कि हम लोग अपने स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर देते फॉर वन वीक, टू वीक, वन मंथ के लिए, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप कोई भी स्टॉक को आज खरीद रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो उसको आज ही बेचना पड़ेगा एनी हाउ मार्केट क्लोज होने से पहले, नहीं तो आपका ब्रोकर क्या करेगा, उसको 3:30 पे उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि मार्केट 9:15 में स्टार्ट हो जाता है और 3:30 क्लोज हो जाता है, तो 3:30 तक क्या करेगा आपका ब्रोकर, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्लोज कर देगा। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक को सेम डे बाई करना और सेम डे क्या होना, सेल करना, ठीक है। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करने में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं पर नोट करके रखना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो सामने वॉल पे इस सारे पॉइंट्स को चिपका लो, इस चीज़ को आप लोग हमेशा फॉलो करना, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग एक बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। इसका मतलब होता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें हाई रिस्क होता है, तो आप इसमें इतना ही अमाउंट लगाओ, अगर वो आपको लॉसेस भी हो जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास क्या है, 1 लाख रुपया, ठीक है, कितना है आपके पास, 1 लाख रुपया, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप इस 1 लाख में से मात्र 10% से आप इंट्राडे ट्रेड करो, 10% बोले तो 10,000 से बस आप क्या करो, यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, उसके अलावा आप इससे ज़्यादा पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाओ ही मत। अगर आपके पास 1 लाख है और आपने पूरा पैसा इंट्राडे में लगा दिया ना, तो आप खुद सोचोगे अगर इसमें से आपका स्टॉप लॉस भी चला जाता है तो आपको कितने ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो आपके लॉसेज और प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है यहाँ पे रिवॉर्ड मुझे ज़्यादा मिलेगा, बट एज अ बिगनर आप लोगों को पूरा अमाउंट कभी नहीं लगाना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो।
आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप उसका मात्र 10% 10,000 रुपया इन्वेस्ट करो और बाकी के 90,000 क्या करो, सेव करके रखो और इस 10,000 से कोशिश करो अपने पैसे को ग्रो करने का। अगर मान लो इसमें से आपका 1,000 रुपया लॉस भी हो जाता तो यह मत सोचो कि इसमें से मैं तुरंत ऐड कर दूंगा, फिर आप 9,000 से ट्रेड करने की कोशिश करो और उसको क्या करो, कवर करने की कोशिश करो। आई होप अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि अगर वो आपको लॉसेस भी हो जाएंगे तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग तो करते हैं बट उन लोगों को मार्केट का ट्रेंड पता ही नहीं होता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब हमेशा ध्यान रखना कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा, मतलब क्या है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में, तो आप लोगों को जो ट्रेड करना है ना वो भी क्या करना है, अप ट्रेंड में करना है, मतलब ट्रेंड के साथ में करना है। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है, आपको इस जगह पे बाइंग करना है, मतलब मार्केट जैसे थोड़ा सा गिरे आपको यहाँ पे बाइंग करना है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। मार्केट नीचे आएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है, फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, मार्केट नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर मार्केट सेम मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग नहीं करना है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा आपको यहाँ पे सेल कर देना है, फिर मार्केट नीचे आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना, मार्केट ऊपर गया आपको यहाँ पे क्या करना, सेल कर देना, फिर मार्केट नीचे यहाँ पे बाइंग नहीं करना, ऊपर गया यहाँ पे आप सेल करो, क्यों, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। आई होप अभी आपको ये भी चीज क्लियर हो गया होगी कि आप लोगों को क्या करना है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब ही चलना है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों के सामने मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट करो और इसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एग्जिट द पोजिशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं आपने कोई भी ट्रेड में एंट्री कर लिया, अब मार्केट काफी देर से एक जगह रुका हुआ है, मार्केट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, मार्केट क्या है थोड़ा देर वहां पे साइडवेज हो गया और अब आपको लगता है कि ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग रहा है कि नहीं यार ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, तो सबसे पहला स्टेप आपका वहां पे क्या होगा, अपने कैपिटल को सेव करना। तो क्या करो, अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो, उससे क्या होगा आपका कैपिटल सेव हो जाएगा, उसके बाद आप वेट करके देखो कि मार्केट आपके टारगेट के जाके हिट करता है या फिर मार्केट आपके स्टॉप लॉस को जाकर हिट करता है। अगर आपका मार्केट टारगेट हिट कर देगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आप ये सोचना कि मेरे अंदर थोड़ी सी फियर आ गई थी, डर आ गई थी, किस वजह से आई थी उसको नोट कर लेना, अपने चार्ट पे वैसा क्या देखा ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा सिचुएशन आए तो आप वहाँ पे एग्जिट ना करो। बट एज अ स्टार्टिंग में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करो, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल बचा होगा ना तो आप नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि वो ट्रेड गलत जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो चला भी गया तो आपका कैपिटल चला जाएगा, ठीक है प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट आप नेक्स्ट टाइम कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लर्निंग मिलेगा, उसको आपको सीखना है और क्या करना, नोट करके रखना है। तो आई होप अभी आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मैं अपना PNL दिखा के आप लोगों को समझाया था ये कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले बैच में, बट अभी PNL दिखाकर मैं नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि आपको वो भी बताया कि मैं भी रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, अगर लाइव क्लासेस होते तो मैं आपको अपना PNL प्रूफ दिखा देता। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बैच 6 का, उसमें जाना और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग जाना, वहाँ पे मैंने अपना पूरा PNL दिखाकर ये चीज़ को समझाया था कि अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब होता है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो लोग बहुत सारे इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, तो आपको जो है ना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1000 से सीखने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन में मास्टरिंग कर लो, इसके अलावा आपको कहीं पैसा नहीं बनने वाला। आप कितना भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, सीख लो, एट द एंड आपको लॉस ही मिलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं लॉस में, आप हमेशा मंथ के एंड में अपना टोटल देखो कि आपने इस महीना में कितना अर्न किया, कितना आपने लूज किया, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ यार एक महीना गया मैंने तो 10,000 रुपया क्या किया, लॉस ही कर दिया, यहाँ पे मेरे को तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मान लेते हैं 10,000 रुपया आपने क्या किया, लॉस ही कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी स्ट्रेटेजी जो है ठीक नहीं है। आप क्या यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, तो आप क्या करो थोड़ा सा मैप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, ट्रेंड लाइन पे काम करो, प्राइस सेक्शन पे काम करो और उसको फॉलो करो, इसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, बाकी इंडिकेटर वगैरह यूज करने की कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है।
तो आई होप अभी आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप उतना ही अमाउंट लगाओ जो अगर आपको लॉसेज हो जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या, एग्जिट द पोजिशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, आपने कोई ट्रेड में एंट्री कर लिया, अब आपको लगता है कि ये ट्रेंड मेरे से अगेंस्ट जा सकता है, तो सबसे पहले पोजिशन को एग्जिट कर दो, उसके बाद वेट करके देखो कि वो आपके अगेंस्ट गया तो इसका मतलब आप पहले सही थे, अगर टारगेट हिट कर दिया मतलब आप पहले गलत थे। क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, आपको वहां पे चार्ट पे अपने आप दिख जाएगा, उसको डेट के साथ टाइम के साथ नोट कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन आए तो आपको याद हो वो चीज। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट क्या, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखो, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप लोग ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। आई होप अभी आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट और 15 मिनट। अब 5 मिनट और 15 मिनट का क्या बोला मैंने आप लोगों को, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पे आपको आवरली डेली चार्ट देखना है सिर्फ ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बट जो आप लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है वो 5 मिनट और 15 मिनट पे करना है। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, एक टाइम का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पूरे दिन में कि आप लोगों को पूरे दिन में किस वक्त सबसे बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। तो कोशिश करो आप लोग 10-15 के बाद ट्रेड में एंट्री करने के लिए। क्यों? क्योंकि 9-15 में मार्केट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। 9-15 में मार्केट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, आधे घंटे एक घंटे मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड करते हो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि मार्केट जब क्लोज स्टार्ट हो जाए उसके बाद क्या करो, मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने दो, आधा घंटा एक घंटा वेट करो, तो आपको क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उसके बाद आप उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री करो। ठीक है, तो 10-15 के बाद और 2:30 बजे तक क्या करो, कोशिश करो कि अपने ट्रेड को क्लोज कर दो, क्योंकि 2:30 बजे के बाद क्या होते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, हाई रिस्क हो जाते हैं ट्रेड करने के। क्योंकि ये सब चीज़ आपको तभी पता चलेगा ना जब आप कम से कम एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल कंटिन्यूसली ट्रेड करोगे। ये सब चीज़ मुझको इसलिए एक्सपीरियंस हुआ कि मैं पिछले 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप 9 बजे के बाद ही, 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ, 9:20 9:25 में ट्रेड में एंट्री करोगे ना, तो वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे एक तरीके से निक ट्रेडिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग में मार्केट गैप अप खुल गया, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, आपने तुक्का मार्केट ट्रेड खरीदा, आपके साथ चला गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अगेंस्ट चला गया तो बहुत बुकार बात है, आपको लंबा लॉस से चले जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट कैंडल देखना हमेशा बिग बिग बनते हैं। तो कोशिश करो कि आधे घंटे एक घंटे वेट करके फिर आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है, और 2:30 बजे तक कोशिश करो अपने पोजीशन को एग्जिट कर देने का। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बताया। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 5 मिनट और 15 मिनट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, 10 बजे के बाद से स्टार्ट करो या 10-15 के बाद आप ट्रेड को एंट्री करने का स्टार्ट करो। एनालिसिस आप करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेड में एंट्री 10-15 के बाद आपको कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती फिर करो। उससे पहले मिलती है एटलीस्ट 10 बजे तक तो आप करो, बट 9:15 में स्टार्ट होता है, 9:20 में आपने एंट्री कर लिया, मार्केट खुलते ही कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो उसमें आप ज़्यादा बार क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि स्टॉक को किस तरीके से चूज़ करना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक को कैसे चूज करें, मतलब अभी तक मान लो आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, ये सब क्या है, इंडेक्स है, वो स्टॉक नहीं है। अगर आपको किसी स्टॉक लाइक HDFC, ICICI, कोटक, रिलायंस, ये सब में अगर आप लोगों को ट्रेड करना है तो आप लोगों को कौन सा स्टॉक होता है बेस्ट, उसको किस तरीके से चूज करना होता है, उसमें हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है, उसको सबसे पहला क्या है, शेयर्स के वॉल्यूम। अब वहाँ पे देखो कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर मान लो कोई कंपनी है, मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है, ठीक है, क्या मान लेते हैं कि ICICI बैंक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 1 लाख लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा कोई कंपनी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सिस बैंक मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक में क्या है कि यहाँ पे लोग मान लेते हैं मात्र 5,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मात्र 5,000 ही लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप किस में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करोगे। आप लोग बोलेंगे 5,000 में, क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को ट्रेड किस में करना है, आप लोगों को ट्रेड करना है
आईसीआईसीआई बैंक में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे मूवमेंट होगा मार्केट में, और जब मार्केट में मूवमेंट होगा तभी आप पैसा बना सकते हो। यहाँ पे तो बहुत कम ही लोग हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, लोग यहाँ पे पैसा लगाना ही नहीं चाहते, तो प्राइस इसमें क्या होगा, फ्लक्चुएशन ही नहीं होगा, ये ज्यादा चांसेस है कि साइडवेज होकर रह जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होंगे। बट अगर आप जहाँ पे ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, आप वहाँ पे लगाओ, वहाँ पे लगाने से क्या होगा कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा, अप्स एंड डाउन होंगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस के भी चांसेस होते हैं, बट अगर आपका सही एनालिसिस होगा तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि आप लोगों को उसका वॉल्यूम चेक करना है कि आखिर उसमें कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करो, उसका वॉल्यूम आप लोग जरूर चेक करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वीक्स का मोमेंट। वीक्स का मोमेंट अगर मान लेते हैं कि आज मान लेते हैं संडे है, कल मंडे है, मेरे को कल आईसीआईसी बैंक में ट्रेड करना है, तो उसके मैं पिछले एक हफ्ते का मूव देखूंगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो आप लोगों को एनालिसिस करके रखना है, उसके हिसाब से फिर आप लोगों को उसमें ट्रेड में एंट्री करना है। अगर आप डायरेक्ट आज खोले और आज का चार्ट देख रहे हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप उसके एक हफ्ते दो हफ्ते के मूवमेंट चेक करो कि प्राइस का क्या स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, उसका कोई निगेटिव पॉजिटिव न्यूज तो नहीं आने वाला है, ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान देके फिर उस स्टॉक में आप लोगों को क्या करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सुप्रीम चीज़ है, इसके बिना तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करना, आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, ट्रेंड लाइन देखो, उसके हिसाब से आप सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड करो। इसके साथ आप कम से कम मान लो 7-8 महीना गुजारो, उसके बाद आपको समझ में आए कि प्राइस एक्शन की क्या एक्यूरेसी है। अगर आपको ये सब चीज़ और सीखना है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, वहाँ पे डेली चार्ट शेयर किया जाता है, आप उसको देख के भी बहुत चीज़ सीख सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करके रखो, ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो, और उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है। उसके बाद वॉच टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आज का जो टॉप गेनर्स होगा उसका भी और आज का जो टॉप लूजर्स होगा उसका भी, वो चीज़ पे भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देके रखना है कि आज कौन सबसे ज़्यादा अर्न किया, कौन सबसे ज़्यादा लूज किया। जब ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, पता रहेगा कि हाँ कौन सा स्टॉक अभी अच्छा कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है और कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ये सब चीज़ जब आपको पता होगा फिर ही आप सही तरीके से स्टॉक को चूज कर पाओगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आई होप अभी आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि हम लोग चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अगर आप लोगों को शेयर करना है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी देखकर उसको सीख पाएं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अब हम लोगों का होगा ऑप्शन ट्रेडिंग और उसके बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बेसिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।